नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, इस स्टील कंपनी को लेकर के एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है और इसका असर ये हो सकता है कि कल कल आपको ये स्टॉक एक बड़ी तेजी करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसने एक बहुत ही शानदार एक्विजिशन किया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, तमाम चीजों में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है, आप देखें तो लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% से भी ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली थी। 545 में ये स्टॉक बंद हुआ था, ठीक है। और अगर हम इसका रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में इसने बहुत, आप कह सकते हैं, शानदार रिटर्न दिए हैं, लगभग 37% के। और निचले स्तरों पे अगर आप देखेंगे, जो उसने 307 रुपए का लगाया था, वहां से स्टॉक आप देखें तो 85% से भी ज्यादा की रैली, 85% से ज्यादा की तेजी आपको ये स्टॉक दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और अब जो खबर निकल के आ रही है, मुझे लगता है एक न्यू सेट ऑफ रैली स्टॉक देखने को मिलेगी। और जो आप कह सकते हैं इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है 570 रुपए, उसे भी कल तोड़ सकता है दोस्तों। क्या है खबर आप देखें, जेएसपीएल कंफर्म्स ₹410 करोड़ परचेज ऑफ मॉनेट पावर्स अंगुल प्लांट। जो मॉनेट पावर का अंगुल प्लांट है उसे 410 करोड़ में दोस्तों जीएसपीएल ने खरीदारी की है। इसके बाद की पुष्टि कर दी होना, द एक्विजिशन हैज बीन कंडक्टेड अंडर आईबीबीआई रेगुलेशंस विदाउट एनी शेयर परचेज एंड वाज अ स्लम्प सेल, द कंपनी टोल्ड द एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि ये जो दोस्तों एक्सचेंज में इन्होंने फाइलिंग की है, ये अब बहुत ही शानदार मौका हो सकता है निवेशकों के लिए, और कल एक शानदार तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। आप देखें, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड हैज इन अ रिटन क्लैरिफिकेशन टू एक्सचेंज ऑन December 9 कंफर्म्ड मनी कंट्रोल्स ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ इट्स 410 करोड़ एक्विजिशन ऑफ मोनेट पावर्स प्लांट। इट एडेड दैट द परचेज एज पर द आईबीबीआई लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016, जेएसपीएल विल नॉट बी एक्वायरिंग शेयर्स, ठीक है, कोई भी शेयर ये नहीं खरीद रहे दोस्तों, और इकट्ठा एक स्लम सेल है दोस्तों। द कंपनी फर्दर अंडरस्कोर्ड दैट द एक्विजिशन वॉज अ स्लम सेल। अभी ये स्लम सेल क्या होता है, अ स्लम सेल इज वन वेयर एन एसेट चेंज हैंड्स विदाउट एस्क्राइबिंग इंडिविजुअल वैल्यू टू ईच ऑफ द पर्टिकुलर लाइबिलिटीज कंडक्टेड विद इन इट, ठीक है। तो ये एक बहुत बहुत शानदार न्यूज है दोस्तों जेएसपीएल के लिए। और देखिए, मनी कंट्रोल ने इसे 8-8 दिसंबर में इसे कह लीजिए ब्रेक किया था, दैट जेएसपीएल हैज एक्वायर्ड अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट ऑफ द मॉनेट पावर कंपनी अंडर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फॉर ₹410, ठीक है। सोर्सेज सेड दैट अडानी पावर वाज अमंग द कंटेंडर्स फॉर द प्लांट। इससे पहले पता ये चल रहा था कि भाई अडानी पावर खरीदने वाला है, लेकिन जीएसपीएल ने इसे खरीद करके आप कह सकते हैं एक शानदार कदम उठाया है, और ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंडर था। नाउ द 1050 मेगावाट पावर प्लांट इज लोकेटेड नियर माली ब्राह्मणी इन द अंगुल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। द कोल फायर्ड पावर प्लांट वॉज ऑफर्ड एन अ स्लम सेल बेसिस इन एन ऑक्शन ऑन November 2, ठीक है। 2 नवंबर को इसे ऑक्शन में लाया गया था एट अ रिवर्स प्राइस ऑफ ₹400 करोड़। जीएसपीएल विल यूज द प्लांट टू सप्लाई पावर एट स्टील प्लांट एट अंगुल। और देखिए, जीएसपीएल के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अब इस पावर प्लांट से दोस्तों वो अपना जो अंगुल का प्लांट है, इसका जिंदल स्टील का, उसे पावर देने में उपयोग कर सकता है। नाउ द उत्कल सी B1 एंड B2 कोल माइन वर बिलोंग टू जीएसपीएल आर लोकेटेड नियर बाय। इसके साथ साथ जीएसपीएल के पास एक कोल माइंस भी है दोस्तों, जो उसके पास ही है। यानी जीएसपीएल को ये इतना ज्यादा फायदा देने वाली है दोस्तों कि कल आप देखेंगे कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, और लिटरली में दोस्तों रॉकेट बनने के लिए तैयार हो सकता है। आगे आप देखें, स्पीकिंग टू पीटीआई कपिल मंत्री हेड स्ट्रेटजी एट जीएसपीएल सेड द ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड ऑन December 9, वी हैव वोन द बिड फॉर 410 करोड़ फॉर लिक्विडेशन ऑफ पावर प्लांट ऑफ मॉनेट पावर वाया एनसीएलटी रूट। द न्यू एसेट विल प्रोवाइड पावर टू जेएसपीएल स्टील प्लांट इन अंगुल विच इज इन एक्सपेंशन मोड। देखिए, और जो अंगुल है ना, अंगुल जो स्टील प्लांट है जिंदल का, वो ऑलरेडी बहुत बड़े एक्सपेंशन की ओर जा रहा है, और ऐसे में एक पावर प्लांट जो उन्हीं के पास रहेगा, जो उन्हें पावर देगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। क्योंकि आपको पता है स्टील इंडस्ट्री एक बहुत हंगरी कह लीजिए पावर हंगरी ये कह लीजिए एसेट रहता है, यानी कह सकते हैं एक पावर हंगरी इंडस्ट्री है। ऐसे में
अगर खुद का आपको इतना अच्छा सोर्स मिल रहा है, आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत नीचे आने के चांसेस रहते हैं। और आगे देखिए, मंत्री एडेड दैट जेएसपीएल प्लान टू मेक द प्लांट ऑपरेशन विद इन नेक्स्ट 1 ईयर बाय इन्फ्यूजिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये जो प्लांट है आने वाले 1 साल में ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट की जो भी जरूरत पड़ेगी वो ये करेंगे। दोस्तों, वी स्टिल हैव टू एस्टिमेट द इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मेक द प्लांट ऑपरेशनल। दिस एसेट विल यूज 25% लेस कोल हैपनिंग इन लो कार्बन एमिशन। ठीक है, तो ये काफी अच्छी न्यूज दोस्तों, और इसका असर आपको कल देखने को मिलेगा स्टॉक के स्टॉक प्राइस की रैली में। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, ये न्यूज अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।